बरेली में बीती रात फसल बर्बाद और कर्ज में डूबे किसान ने दे दी जान। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बरेली पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव सतुइया पट्टी निवासी मदन लाल सिंह 45 वर्ष ने बीती रात्रि में घर के पास बनी पखरोल की कड़ी में अंगोछा डालकर गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे एसआई वीरेंद्र सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। परिजनों के अनुसार मृतक की बहगुल नदी के पास 15 बीघा जमीन है। लगातार बारिश होने से खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई। शाम को खाना भी नहीं खाया, ऐसे ही घर के बाहर चले गए थे। मृतक की पुत्री ज्योति सिंह ने बताया कि बैंक वाले का लगभग 3 लाख रुपए कर्जा था। उसके अलावा अन्य कर्जा भी था। बैंक वाले लगातार आकर परेशान कर रहे थे। लगातार बारिश होने से बहगुल नदी के पास खेत में खड़ी धान की फसल बर्बाद हुई, जिसको लेकर तनाव महसूस करने लगे। देखिए, मीरगंज तहसील में सतुइया पट्टी गांव में एक मदन सिंह नाम का काश्तकार ने कल फांसी लगाई, उससे उसकी मौत हुई। वह व्यक्ति पहले सहकारिता विभाग में एक कर्मचारी था, जिसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हुई थी और वह सेवा से बाहर किया गया था। कुछ गबन के भी मामले चल रहे थे, वो डिप्रेशन में चल रहा था और साथ साथ उसी डिप्रेशन की वजह से वो नशा का भी आदि हो गया था। मदिरा भी बहुत ज़्यादा पीता था। गांव वालों से जो जांच से पूछताछ से पता चला तो ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। उसकी फसल भी नष्ट हुई है और गाँव के लगभग 60% लोगों की फसलें नष्ट हुई हैं। फसलों के का जो क्षति हुई है उसका आकलन कराया जा रहा है और नियमानुसार उसे जो भी राहत दे होगा वो दिया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।